सब गाइज वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जी स्वागत है आपका एक और नए नवेले व्लॉग में। तो आज हम लोग आए वांगन वाटरफॉल आंकड़ा दूध जिसे बोलते हैं, जो कि क्या है वांसदा और वगई के बीच में कहीं पर गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर पर ही है। इनफैक्ट गूगल मैप में आप देखोगे तो बॉर्डर पर ही दिखाएगा। तो हालांकि अभी हम लोग यहाँ पर पहुँच तो गए बस। तो जी चलिए अभी चलते हैं टूवर्स वाटरफॉल, बिकॉज लेट भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो चलिए जल्दी से चलते वाटरफॉल के पास में, आपको भी दिखाते हैं वाटरफॉल कैसा है और हम भी देखेंगे कैसा है। सो लेट्स गो टूवर्ड्स वाटरफॉल। ओके सो गाइस, ये कुछ ट्रेल है, वहाँ पीछे पार्किंग है और 50 रुपीज़ पर कार है। ये देखिए ये पूरी ट्रेल है और यहाँ से हमें जाना है राइट। ये देखो मतलब यहाँ पर नोटिस लगा हुई है तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ना वांगन धोध तरफ वांगन वाटरफॉल। ओके सो गाइस ये देखिए यहाँ का व्यू है, मतलब पहाड़ और बीच में से ये चलती है ट्रेल है। इस पे चलते हुए हमें जाना है वाटरफॉल के पास। हालांकि पार्किंग में से तो बोला कि वाटरफॉल का ट्रेकिंग ज़्यादा नहीं है, 700-800 मीटर चलना है। लेट्स सी देखते हैं कितना उतना है या उससे ज़्यादा या उससे कम, जो जितना होगा वो आपको बताएंगे। ओके सो गाइस, अगर आपको वडोदरा से वांगन वाटरफॉल जाना है तो 235 किलोमीटर दूर पड़ेगा, सूरत से जाना है तो 109 किलोमीटर दूर पड़ेगा और नवसारी से जाना है तो सिर्फ 84 किलोमीटर दूर पड़ेगा। कैसी ट्रेल है, दोनों तरफ खेत है और वहाँ कहीं पर वो वाटरफॉल, मतलब जो मेन बड़ा सा जो वांगन वाटरफॉल है बड़ा, वो वहाँ कहीं पर हमें दिखा है। मतलब कुल मिला के ये पूरा क्रॉस करके जाना है। लेट्स सी कितनी देर में पहुँचते हैं, देखते आपको भी दिखाते हैं। यहाँ पर देखो छोटा सा आई थिंक वाटरफॉल है या वाटर स्विम, ये देखते तो ये आई थिंक वाटरफॉल का ही पानी होगा। ये हमने की वाटर क्रॉसिंग। ट्रेन देखना कितनी पतली सी, एक तो खेत में से रास्ता जा रहा है, सोचा कितना मजा आता है। एक और छोटा वाटरफॉल यहाँ पर भी है। टैगिंग कुछ पता नहीं, जो लोग वापस जा रहे हो वो लोग भी 1 से 1.5 किलोमीटर है, पार्किंग में से बोला 700 मीटर। जैसे देखते हैं कितना ट्रैकिंग है। अगर आप टू व्हीलर लेकर आओगे तो टू व्हीलर का बेनिफिट ये है कि थोड़ा आगे तक आ पाएगा, बाकी फोर व्हीलर तो उधर नीचे ही पार्क करनी पड़ेगी, टू व्हीलर यहाँ तक आ पाएगी।
ओके सो गाइस फाइनली शायद हम लोग पहुंच ही चुके हैं वाटरफॉल के पास, बिकॉज यहाँ से हमें वाटरफॉल थोड़ा थोड़ा दिखाई भी दे रहा है। वो देखो सामने वहाँ कहीं पर है, थ्री टू और वन। सो गाइस पेज से आपके सामने द मेजेस्टिक वांगन वाटरफॉल की फर्स्ट फुटेज, तो देख लीजिए गाइस कुछ इस तरीके से है वांगन वाटरफॉल। हालांकि ये तो नीचे का है, मतलब देखिए ये वांगन वाटरफॉल इतना अच्छा है ना कि एक बार आप वहाँ आपको रियल में जाओगे और देखोगे ना तो लगेगा कहीं मतलब बाली या इंडोनेशिया में आप कहीं पर घूम रहे हो, थाईलैंड से ठीक है। और दूर से मतलब ये जो नीचे का ये वाटरफॉल है वो देखोगे तो अपने जो मोबाइल में वाटरफॉल का जो वॉलपेपर आता है ना HD में बिल्कुल वैसा लगेगा। तो आप आगे वीडियो में देखिए और भी कैसा लग रहा है ये वाटरफॉल। अभी मेरे एकदम ही पीछे है वांगन वाटरफॉल, ये देखिए कुछ इस तरीके से ऐसे अलग अलग तरीके से वाटरफॉल गिर रहा है वहाँ से लेकर पूरा वहाँ तक। हालांकि वीडियो में फ्लो कम दिख रहा है बट रियल में फ्लो काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा
गाइस ये देखिए वांगन वाटरफॉल, मतलब थोड़ा दूर से, मतलब यहाँ से तो प्रॉपर वो जैसे मैंने बोला ना वॉलपेपर जैसा ही लगेगा, हालांकि वीडियो में उतना नहीं पता चलेगा जितना रियल में। अभी यहाँ से देखोगे तो आपको मतलब लग रहा है कि ऐसे तीन वाटरफॉल गिर रहे हैं, ठीक है, एक साइड में, थोड़ा छोटा सा बीच में और इस तरह राइट में, और यहाँ पर नीचे भी एक हल्का सा वाटरफॉल गिर रहा है, और दूर से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि दूध का वाटरफॉल गिर रहा हो ना वैसा। नीचे का जो वांगन वाटरफॉल था वो तो हमने अच्छे से एक्सप्लोर कर दिया है, ठीक है, एंजॉय कर लिया। अब ये है ऊपर का मेन वांगन वाटरफॉल, मतलब मेन वाटरफॉल तो यही है वांगन वाटरफॉल, ये देख लो जी, है ना एकदम बढ़िया सा ऊंचा सा वाटरफॉल, बिल्कुल एकदम तगड़ा लग रहा है ना। इससे इसके बाद ही जो नीचे मैंने छोटा वाटरफॉल लिखा है वो आता है, लेकिन खैर फिर भी पब्लिक वहाँ पर नीचे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करती है, बिकॉज ऊपर थोड़ा क्या है पथरीला और गहरा भी है ना इसलिए। जी तो गाइस ये कुछ था हमारा वांगन वाटरफॉल या आंकड़ा वाटरफॉल का ब्लॉग। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली का के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं हमारे सही कोई और नए ब्लॉग में और